मेंस का प्रश्न जो हमने दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पॉक्सो एक्ट से संबंधित क्या था। हाँ प्रश्न हमारा जो मेंस का है वह है कि भारत में पॉक्सो अधिनियम के बाद भी, पॉक्सो अधिनियम के बाद भी बाल सुरक्षा एक चुनौती के रूप में बरकरार हाँ बिल्कुल बरकरार, ठीक है बरकरार परीक्षण करें क्लियर है। तो जैसा हम करते हैं कीवर्ड्स तलाशेंगे, पॉक्सो अधिनियम, अगला कीवर्ड क्या है बाल सुरक्षा, और एक और कीवर्ड क्या है चुनौती। पहला कीवर्ड क्या है पॉक्सो अधिनियम, क्लियर है। एक कीवर्ड तो यह है कि पॉक्सो अधिनियम, दूसरा जो कीवर्ड है वो है बाल सुरक्षा, और जो तीसरा कीवर्ड है वो क्या है चुनौती। अब अगर प्रश्न लिखने के क्रम में, आप प्रश्न में उत्तर लिखने के क्रम में जब आप जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ये ऐसे ही होगा, परिचय का सेक्शन आप स्टार्ट करेंगे, परिचय के साथ जाएंगे तो बताएंगे आप कि भारत में सन 2012 में, ठीक है, संसद में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 पारित किया, जिसके माध्यम से बाल सुरक्षा और बाल समुदाय के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए, उन पर कहीं ना कहीं उस समस्या को हल करने के लिए यह एक पॉक्सो एक्ट भारत में लाया गया। लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार के सामने, भारतीय समाज में बाल सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और इसके लिए कई चुनौतियां विद्यमान हैं। वो चुनौतियां क्या हैं वो आप बॉडी में लिखें, क्योंकि चुनौतियों पर ही यहां फोकस है। हाँ पहले आप परिचय लिखेंगे। हाँ ठीक, पहले आप परिचय लिखेंगे कि पॉक्सो एक्ट है क्या, यह बाल सुरक्षा से संबंधित एक एक्ट है, और बाल सुरक्षा क्या है, और बाल सुरक्षा किससे, यौन अपराधों से, विशिष्ट रूप से यौन अपराधों से जो सुरक्षा है उसके बिंदु। अब अगर बात की जाए कि चुनौतियां क्या हैं, अगर बात की जाए इस संदर्भ में चुनौतियां क्या हैं, तो पहली जो बड़ी चुनौती है हमारी वो है जागरूकता या अवेयरनेस, ठीक है। हाँ एकदम हिंदी माध्यम में, हाँ जागरूकता की अगर बात की जाए तो भारतीय समाज में यौन अपराधों के प्रति और यौन अपराध से संबंधित जो कानून है, कहीं ना कहीं उनके बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है। यही कारण है कि बढ़ते यौन अपराधों को अपने सामने देखते हुए भी
बहुत सारे लोग इसके समन की बात नहीं कर पाते हैं या इस समस्या का कानूनी प्रावधान, कानूनी हल निकालने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों में, समाज में कहीं ना कहीं एक जागरूकता का अभाव है। दूसरे बिंदु की अगर बात करें तो दूसरा बिंदु हम लिख सकते हैं कि भारत में एक अवसंरचना की कमी है। भारत में अवसंरचना की कमी है, ठीक है। भारत में जो बाल सुरक्षा है, कहीं ना कहीं बाल सुरक्षा में जिन अपेक्षित अवसंरचनाओं को हम जानते हैं उनकी कमी है, सीसीटीवी की कमी है, पुलिसकर्मियों की कमी है, और कहीं ना कहीं जो अवसंरचना है वह एक बड़ा मुद्दा है इस संदर्भ में चुनौती के दृष्टिकोण से, ठीक है। तीसरा बिंदु आप लिख सकते हैं कि कानूनी पहुंच की कमी है। भारत में सभी लोग, कानून और न्यायालय तक सभी लोगों की पहुंच नहीं है, यही कारण है कि बढ़ते बाल अपराध के बाद भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जिनकी रिपोर्ट हो पाती है और जिनका मुकदमा पॉक्सो कोर्ट में चल पाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि विधिक सुगम्यता या विधिक समावेशीकरण की भारत में कहीं ना कहीं विधिक समावेशीकरण का अभाव पाया जाता है, ठीक है। विधिक समावेशीकरण का भारत में कहीं ना कहीं अभाव पाया जाता है, यानी कानूनी जागरूकता लोगों में नहीं है। तो यह एक तीसरा बिंदु हो सकता है। अगर अपने अगले बिंदु की बात करें, चौथी जो हमारी चुनौती है वो है न्यायिक सुधार। अर्थात न्यायपालिका में भी कई स्तर पर सुधारों की आवश्यकता अपेक्षित है, और न्यायपालिका में कहीं ना कहीं मूल सुधार और इंटेंशनल सुधार ना होने के कारण न्यायपालिका बड़े स्तर पर इनके प्रति उतना संवेदनशील नहीं हो पाती है, तो न्यायिक सुधार की भी आवश्यकता है। पांचवें बिंदु के रूप में हम लिख सकते हैं कि बड़े स्तर पर जो हमारा पॉक्सो कोर्ट है उसमें एक एज की बात है, आयु विवाद है, आयु को लेकर विवाद है। अर्थात मात्र 18 वर्ष, केवल 18 वर्ष से जो नीचे हैं उन्हीं को चाइल्ड या बाल के रूप में, बाल की परिभाषा में, या चाइल्ड बालक की या बालिका की परिभाषा में यह अधिनियम है। अगर 18 वर्ष से मान लीजिए एक भी दिन कोई ज्यादा हुआ तो वह पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा। तो यह इसकी एक बड़ी कमी है, आयु को लेकर भी यहां एक विवाद है, ठीक है। अगर छठी चुनौती की बात की जाए तो वह है कि जो सजा की सीमा है, सजा की जो सीमा है उसका न्यायालय के द्वारा, उसका न्यायालय और न्यायतंत्र के द्वारा अनुपालन नहीं होता, उसका अनुशासित रूप से अनुपालन यहां पे नहीं होता, ठीक है। सजा की सीमा को ध्यान में नहीं रखा जाता है, और जो कानूनी तंत्र है, न्यायिक तंत्र है, कहीं ना कहीं सजा की सीमा में ढील दी जाती है, और इससे जो कहीं ना कहीं डिटरेंस है, कानून के प्रति कानून का जो भय है समाज में, वह कम होता है, जिससे बाल अपराधों को और प्रेरणा मिलती है। अब अगर एक और चुनौती की बात की जाए तो भारी स्तर पर महिला पुलिस कर्मियों की कमी है। अर्थात महिला पुलिसकर्मी होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि महिलाओं के प्रति जब अपराध होते हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष उस स्तर पर, उस संवेदनशीलता से इस चीज को हल नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं जिस स्तर पर महिलाएं समझती हैं। अर्थात महिलाओं में वह भावनात्मक प्रज्ञता उपलब्ध है, विद्यमान है, जो कहीं ना कहीं इस बाल या यौन अपराध के प्रति संवेदनशीलता रखती है। तो यह कुछ सुझाव हो गए, और इस सुझाव के बाद आप निष्कर्ष पे आएंगे, और निष्कर्ष में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि भारत में पॉक्सो एक्ट आने के बाद बड़े स्तर पर, क्योंकि आपका निष्कर्ष आशा की तरफ झुका होना चाहिए, ठीक है, आशावादी होना चाहिए, निराशावादी और नकारात्मक नहीं होना चाहिए, तो आप लिखेंगे कि भारत में पॉक्सो एक्ट आने के बाद बड़े स्तर पर
बालकों के प्रति यौन अपराध में कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी उपरोक्त चुनौतियां विद्यमान हैं जिनके कारण उस स्तर पर बालकों के प्रति, बाल समुदाय के प्रति जो यौन अपराध हैं उनका समन उस स्तर तक नहीं हो पाता है जितना अपेक्षित है। फिर भी हम यह कुछ अपेक्षित सुधार के माध्यम से हम इस समाज में कहीं ना कहीं यौन अपराधों के प्रति एक अच्छे और बेहतर समाज की स्थापना की तरफ बढ़ रहे हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट में सुधार, कानूनी सुधार और जागरूकता के माध्यम से हम भारत में एक बेहतर बाल समुदाय के प्रति एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं, करने में संभव। क्लियर है? ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू, ओके।